हेलो दोस्तों, कंटोला गार्डनिंग में आपका स्वागत है। ये देखिए पके हुए कंटोले हैं और इससे कैसे बीज निकाला जाता है और उसे फिर शेड में सुखाकर ग्रो किया जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये पके हुए कंटोले के बीज हैं। इसे कच्चा कंटोला का बीज नहीं, ये पके हुए पीले रंग के कंटोले आप ले आइए मार्केट से। अगर आपको अवेलेबल नहीं है बल्ब वगैरह तो आप इसे ले आइए और इसे निकाल लीजिए इसके बीज को और इसे शेड में सुखा लीजिए ऐसे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये कंटोले के बीज को मैंने इसे निकाला है। ये अंदर से लाल लाल पके पके हुए कंटोले के बीज निकलेंगे और ये बीज निकलेंगे और इसे सुखाना है। ये देखिए, मैंने कंटोले की बेल पर वीडियो बनाई तो बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से इंक्वायरी की कि आप प्रोसेस बताइए कि कैसे मैं बीज को ग्रो करूं, कैसे फल से बीज निकालूं और किस स्टेज पे निकालूं और फिर मैं कैसे मैं उसे शेड में, मतलब किस स्टेप बाय स्टेप समझाइए। तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोग की सहूलियत के अनुसार व्यूअर्स के डिमांड पे मैंने इसे बनाया। तो ये हो गया आपके कंटोले के बीज और इसे आप शेड छाया में, शेड में इसे मतलब सुखाइए। और इस सुखाने के प्रोसेस में ना इसके ये लाल रंग के जो ऊपर जो लेयर है ना वो धीरे 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 15-20-25 दिन में ये सूख जाएगा, पूरी तरह सूख जाएगा। और सूखने के बाद ये अपने आप इसमें ब्राउन कलर का अंदर से बीज निकलेगा। ये पूरी तरह ये पग कैसे पूरी तरह तैयार होने हैं, अभी इसको आप मिट्टी में ग्रो बिल्कुल ना करें। इसे अगर आप करेंगे तो इसमें फंगस लग जाएगा। तो इसे 15-20 दिन 25 दिन शेड में सुखाइए और ऊपर का ये रेड रंग का जो लेयर है वो अपने आप सूख जाएगा और ब्राउन कलर का इसका कलर हो जाएगा, वो सूख करके हट जाएगा। तब फिर इसे आप स्टोर करके और रख दीजिए और अगले सीजन में इसे फिर से इसे ग्रो कीजिए। तो ये कंटोले के बीज से आप आसानी से पौधे, ये पके हुए कंटोले के बीज से आप आसानी से पौधा बना सकते हैं और फिर उसे रिपोर्ट करके ये बेल को डेवलप कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले व्यूअर्स बताया था, ये बेल को आप डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे कंटोले लगे हुए हैं। इसका वीडियो मैंने पहले डाला है और अभी मैं इसमें इसको कर रही हूँ। तो फिर आपको अगले मतलब ये बेल आपको मिल जाएगा। और व्यूअर्स, यही है कि ये बीज, इसमें नर और मादा दोनों प्लांट अलग अलग होता है। तो इसमें सारे जो पौधे निकलेंगे जितने भी 20 इस, ये पूरे बीज सारे डेवलप नहीं होते हैं व्यूअर्स। तो इसमें कुछ 50-60% ही बीज डेवलप होते हैं और उसमें नर और मादा अलग अलग, उसको अलग अलग वो पौधे होते हैं। तो उसे हम लोग को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना। तो फिर उसको थोड़े से बढ़ने देते हैं और तब फिर उसे पहचान करके मेल प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। और फीमेल जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो आपको सबसे पहले फूल आना शुरू हो जाएगा मेल प्लांट में, तो और उसमें ये फल नहीं लगे होते हैं तो आप उसको पहचान सकती हैं कि वो मेल प्लांट है। तो यही है दोस्तों, और ये मेरा वीडियो है और कंटोले के ऊपर, क्योंकि ये बहुत हेल्दी और टेस्टी सब्जी है और सारे इस ये बहुत ही अच्छा सब्जी है। और इसकी वीडियो आप बनाइए और इसकी उपज आप लीजिए, सॉरी वीडियो इसकी उपज लीजिए और छत पे आराम से इसके गार्डनिंग करके नेनुआ, करेला, कद्दू, बैंगन,
का तो बहुत सा आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कंटोले की विधि मैं बता रही हूँ, तो इसे आप फॉलो करें और कंटोला का बेल डेवलप करें। तो इसके पहले व्यूअर्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आगे और भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा सकूँ, यूज़फुल वीडियो अवेलेबल करवा सकूँ। थैंक यू।